हेलो फ्रेंड्स, अतुल आर्यस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत की शिक्षण विधियों को पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज अपने बात करने जा रहे हैं नाटक शिक्षण के विषय में, कि यानी नाटक शिक्षण क्या होता है और नाटक शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि नाटक जो शब्द है, ये नाटक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो नाटक शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत के ही शब्द से मानी गई है। और संस्कृत का वो कौन सा शब्द है दोस्तों, तो वो है नट, यानी नट धातु से ही क्या मानी गई है, नाटक शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। और इसके अगर अपने शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाचना, या फिर अपने कह सकते हैं अभिनय करना। तो नाटक जो शब्द है संस्कृत के नट धातु से बना हुआ है और इस शब्द का अर्थ होता है नाचना या अभिनय करना। यानी इसमें हम नाटक शिक्षण करवा रहे हैं तो बच्चे को क्या सिखाएंगे, हमें उसको अभिनय करना सिखाना है। मूल उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, उसका अभिनय करवाना, अभिनय करना सिखाना ही उसका क्या हो जाएगा, मूल उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नाटक की रचना करना उसको सिखाते हैं। नाटक की रचना के अंदर अभिनय क्या है, मुख्य पात्र होता है, जो है मुख्य बात होती है। क्योंकि नाटक शब्द का अर्थ ही क्या अपने ले रहे हैं, नाचना से लेकर के चल रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक शिक्षण क्या है, तो नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अगर आप ऐसे भी कहें और अगर आपसे पूछा जाए एक लाइन में आंसर देना हो, तो आप इस प्रकार से कहेंगे अभिनय कला का ज्ञान करवाना। अभिनय कला का ज्ञान करवाना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, नाटक शिक्षण कहलाता है। यानी नाटक शिक्षण क्या है, अभिनय कला का ज्ञान करवाना। क्योंकि नाटक शब्द का अर्थ क्या है, अभिनय करना। तो नाटक में क्या करवाते हैं दोस्तों, हम अभिनय का शिक्षण उसको करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक जो हमारा शिक्षण है, जिस नाटक शिक्षण की अपने बात कर रहे हैं, उसको पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, हम उसको क्यों सिखा रहे हैं। पहला तो अभी दोस्तों हमने चर्चा की ही है कि पहला कौन सा था, पहला था हमारा उसको अभिनय करना सिखाना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नाटक आपने कभी भी देखा होगा तो नाटक का मुख्य अंग होता है संवाद। संवाद यानी कि वो क्या करता है दोस्तों, वार्तालाप, जो बोलता है उसमें डायलॉग्स होते हैं ना। तो नाटक शिक्षण का उद्देश्यों के अंदर एक तो अपने लेंगे वार्तालाप का ज्ञान करवाना। नाटक में मैं अपने क्या करवाते हैं दोस्तों, बच्चे को वार्तालाप का ज्ञान करवाते हैं और बच्चे को संवाद बोलना सिखाते हैं। बच्चा क्या सीखता है, वार्तालाप करना सीखता है, अच्छे डायलॉग बोलना सीखता है, यानी संवाद करना सीखता है। साथ ही साथ वो क्या सीखेगा दोस्तों, अभिनय। और चौथी चीज अपने क्या ले सकते हैं, जो नाटक के जो विविध अंग हैं उनका ज्ञान प्राप्त करता है, नाटक के तत्वों का ज्ञान। अब आप इसको याद रखना चाहें तो इस प्रकार से याद रखिएगा, एक नाटक में क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों। एक नाटक में होता है वार्तालाप, तो वो सीखेगा। नाटक में होता है संवाद, तो वो भी सीखेगा। नाटक में होता है अभिनय, तो वो भी सीखेगा। और नाटक क्या है ये चीजें भी वो सीखता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है वो नाटक के द्वारा सीखता है। और यही इस नाटक शिक्षण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब अगला जो हमारा प्रश्न उठता है वो ये है कि नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है दोस्तों, कहीं भी हमें उलझना नहीं है इसमें। नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, तो देखिएगा कौन कौन सी विधियां अपने काम में लेते हैं नाटक शिक्षण के दौरान। बहुत ज़्यादा विधियां तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो देखिएगा व्याख्या विधि, कौन सी विधि काम में लेंगे हम, व्याख्या विधि। दूसरी विधि अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, आदर्श नाट्य विधि। और अगर आपसे तीसरी विधि पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कक्षाभिनय विधि हो जाएगी। चौथी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, रंगमंचाभिनय विधि। और अगर आपसे एक और विधि की बात मैं करूं
तो वैसे तो काफ़ी है, ये चार ही विधियाँ आपके लिए काम आती हैं। व्याख्या ले लेना, आदर्श ले लेना, और तीसरी कक्षा अभिनय, और चौथी है रंगमंच अभिनय विधि। संधि कर देंगे दोनों की, तो रंगमंच अभिनय के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इनको एक एक करके क्या होती है और किस प्रकार से अपने इनका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नंबर एक विधि की, जिसमें हमारा था व्याख्या विधि। वैसे दोस्तों व्याख्या विधि की अपनी चर्चा कर चुके हैं। तो व्याख्या विधि कौन सी होती है दोस्तों, व्याख्या में क्या होता है? तो व्याख्या में किसी भी चीज़ का जो अपने पढ़ा रहे हैं, गद्य है, उसकी अपनी व्याख्या करते हैं। उसमें शब्दार्थ है, उसमें क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या उसके मूल तत्व हैं, उसको पूरी तरह से स्पष्ट करके बताया जाता है। उसमें जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन सा होता है? शिक्षक ही होता है। और छात्र जो होता है वो मात्र क्या होता है? श्रोता होता है, वो केवल सुनने का कार्य करता है। सक्रिय कौन होता है दोस्तों? छात्र तो नहीं होता, सक्रिय शिक्षक ही होता है। शिक्षक ही सक्रिय होता है, वही कक्षा का मालिक होता है। हालांकि बहुत बार छात्र जो हैं इस विधि में बोर भी होने लगते हैं, तब शिक्षक का ये दायित्व होता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें और कक्षा को बांध करके रखे। जल्दी अगर पाठ पढ़ाना है तो यही सबसे अच्छी विधि काम में आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कम समय के अंदर आपको सिलेबस पूरा करवाना है तो आप कौन सी विधि काम में लेंगे, तो व्याख्या विधि काम में लेंगे, क्योंकि इसको बहुत थोड़े समय में बहुत सारा सिलेबस करवाया जा सकता है। और उच्च स्तर पर तो दोस्तों विधि कौन सी काम में आती है? व्याख्या विधि को ही अपने ज़्यादा यूज़ किया करते हैं। तो व्याख्या विधि में क्या होगा दोस्तों, जब कोई शिक्षक ऐसा है, वो जब अपने गद्य पाठ पढ़ा रही है, पीछे हमने गद्य शिक्षण में ये देखा था कि जब वो गद्य पाठ पढ़ाता है तो उस गद्य पाठ की ही तरह वो नाटक को भी पढ़ा देता है दोस्तों। अब गद्य में जैसे मान लीजिएगा वो जो पैराग्राफ था जिसको पढ़ा रहा था, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? नाटक में तो क्या होना था दोस्तों? अभिनय होना था, लेकिन ये अभिनय नहीं करवाता है, नाटक को भी एक क्या बना देता है? पाठ बना देता है, और उसको पाठ की तरह पढ़ देता है, या तो पढ़ देता है या पढ़ा देता है, यानी बच्चों से पढ़वा करके उसकी व्याख्या कर सकता है, खुद पढ़ सकता है। व्याख्या विधि में क्या करेगा, वो उस पाठ की व्याख्या कर देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से करे। तो बिल्कुल गद्य एक पैराग्राफ, एक कहानी, कहानी भी नहीं कहेंगे, अपनी एक पैराग्राफ की तरह उसको पढ़ करके, जैसे अपने सामान्य सामाजिक के जो पाठ होते हैं उसी पाठ की तरह नाटक को भी पढ़ा देते हैं। अब बताओ क्या उसमें रस आएगा? नहीं आएगा। क्या उसमें अभिनय हुआ? क्या नहीं हुआ। उसमें आनंद आया क्या? किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं आता है। बच्चे ने सीखा क्या? क्या कोई संवाद उसमें हुआ? क्या नहीं हुआ। तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए सबसे निम्न स्तर की ये विधि मानी जाती है नाटक शिक्षण के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या व्याख्या विधि का उपयोग नाटक शिक्षण के लिए करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन ये निम्न स्तर की है, इसको अपने को सबसे बाद में ही रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इस विधि का उपयोग करते हैं। ये कोई बहुत अच्छी विधि नाटक शिक्षण के लिए कम से कम नहीं मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं दूसरी विधि हमारी कौन सी थी। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी विधि है वो है आदर्श नाट्य विधि। दूसरी हमारी विधि कौन सी है दोस्तों? दूसरी हमारी विधि है आदर्श नाट्य विधि। अब ये आदर्श नाट्य विधि कौन सी होती है, इसको अपने किस प्रकार से काम में लेते हैं, ये देखते हैं। अब देखिएगा आदर्श नाट्य विधि यानी मॉडल। अब यहाँ मॉडल कौन होता है दोस्तों? शिक्षक होता है। मॉडल कौन होता है? शिक्षक होता है। अब पढ़ाना क्या है दोस्तों? नाटक। नाटक को पढ़ाना कौन रहा है? केवल शिक्षक ही पढ़ा रहा है। या तो वो पाठ की तरह पढ़ा सकता था, अगर उसने पाठ की तरह पढ़ाया तो वो क्या होगी? व्याख्या। लेकिन अब इसको पाठ की तरह नहीं पढ़ाना चाहता, वो नाटक की तरह ही पढ़ाना चाहता है। वो नाटक में क्या होते हैं? संवाद होते हैं। और नाटक में क्या होता है दोस्तों? अभिनय होता है। अब ये सारे कार्य कौन करता है? शिक्षक ही करता है। यानी शिक्षक स्वयं ही संवादों के अनुसार अपने उच्चारण में परिवर्तन करता है। जैसे स्त्री की आवाज़ है तो स्त्री के निकालेगा, उतार चढ़ाव जो भी है वो सारे खुद ही करता है। यानी उस नाटक को वो खुद ही करके दिखा रहा है। एक ही पात्र है लेकिन वो सारे पात्रों का अभिनय कर रहा है दोस्तों। वैसे तो ठीक है, शिक्षक ने मॉडल रूप में अपना सारा कुछ करके दिखा दिया उस नाटक को, यानी कोई भी रोल है वो खुद ही प्ले करता है, अपनी आवाज में उतार चढ़ाव वो सारे कार्य शिक्षक खुद ही करता है, जिससे वो सीख जाता है बच्चा। लेकिन क्या उसमें उद्देश्य पूरा हुआ? क्या उद्देश्य पूरा हुआ? क्या नहीं हुआ?
उद्देश्य पूरा हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि सारे कार्य कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, छात्र कुछ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब सिखाना किसको था, छात्र को सिखाना था, क्या सिखाना था, संवाद, उसने किया क्या नहीं किया। छात्र को और क्या सिखाना था, छात्र को अभिनय सिखाना था, उसने सीखा क्या नहीं सीखा। तो जब नाटक की जो मुख्य चीजें हैं उसको अभिनय का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ये विधि भी अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक शिक्षण के लिए उपयुक्त है क्या, तो इसे भी अपने अनुपयुक्त ही मानते हैं, ये भी कोई उसके लिए बहुत अच्छी विधि मानी जाती नहीं है। समझ गए होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपनी अगली विधि की ओर चलते हैं। तो अगली विधि हमारी कौन सी है, वो है कक्षा अभिनय विधि। ये थोड़ी ठीक है, कक्षा अभिनय विधि। अब देखिएगा, एक हमारे पास में कौन है, शिक्षक है, और एक हमारे पास में छात्र है, और एक हमारे पास में नाटक है। ये तीन चीजें हमारे पास में हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, जैसे उसमें तो पिछली विधि जो हमारी थी आदर्श नाट्य में, तो अध्यापक ने किया था, लेकिन यहाँ पर ये जो नाटक है उस नाटक को प्ले कौन करता है, छात्र करते हैं। जो छात्र हैं वही विद्यालय में आते हैं, और जो पोशाक है वो भी पहनते हैं दोस्तों, विद्यालय की पोशाक ही पहनते हैं, वो कोई नाटक की पोशाक नहीं पहनते। यानी स्कूल में क्लास लग रही है, क्लास की पोशाक में ही वो हैं, और इसी में वो क्या करते हैं, नाटक का अभिनय करते हैं दोस्तों। यानी क्लास के अंदर उस नाटक को प्ले करके दिखाते हैं, विद्यालय की पोशाक में ही उस नाटक को प्ले करके दिखाते हैं, और नाटक के जो पात्र हैं उन पात्रों के अनुसार ही बच्चों को अलग अलग रोल दे दिए जाते हैं। बच्चे पूरे मनोयोग से उसको प्ले करके दिखाते हैं और संवाद भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि क्या हो गई, ये विधि एक अच्छी विधि हो जाती है, क्योंकि जिसको सिखाना था वही सीख रहा है, बच्चे इसमें हाव भाव जो अभिनय है वो सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। और हमारा जैसा जो देश है, विकासशील देश है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम अपने इतना कर सकते हैं, तो फिर ये विधि हमारे लिए अच्छी विधि मानी जाएगी। कक्षा अभिनय विधि जो है वो नाटक शिक्षण के लिए अच्छी विधि मानी जाती है, भारत में तो बहुत अच्छी विधि स्वीकार किया जाता है इसको। तो नाटक शिक्षण विधि की कक्षा अभिनय विधि में क्या किया जाएगा, देखो नाम तो यही है ना, कक्षा अभिनय, यानी कक्षा में ही अभिनय करता है, और कौन करता है दोस्तों, बालक करते हैं, उनको अलग अलग नाम दे दिए गए जैसे पात्र उसमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आते हैं अपनी अगली विधि की ओर। तो दोस्तों अगली हमारी जो विधि है वो रंगमंचाभिनय विधि है। अब यहाँ पर देखिएगा, रंगमंच अपने किसको कहते हैं, स्टेज को कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अभिनय जो कहाँ किया जाएगा, वो स्टेज पर किया जाता है दोस्तों। और कौन करेगा, यहाँ पर वास्तविक कलाकार आ गए। अब यहाँ पर कौन आ गए दोस्तों, वास्तविक कलाकार आ गए। आपके स्कूल में स्टेज है, स्टेज के ऊपर वास्तविक कलाकार आते हैं, वो पूरे रंगमंच की पोशाक में आते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही अभिनय करना है, और वो फिर उसको करके दिखाते हैं। तो बालक जो है उसके अभिनय को देखते हैं, और उनको फिर अच्छे से वो सारा पाठ जो है वो समझ में आता है। तो इस विधि से पूर्ण ज्ञान किसको हो जाएगा, छात्र को हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर छात्र ने नहीं किया। अब यहाँ इसके सिमिलर कोई विधि आप देख सकते हैं, तो वो है आदर्श। अब आदर्श में और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर रोल सारा प्ले कौन कर रहा है, एक ही व्यक्ति कर रहा है, और वो व्यक्ति है शिक्षक। लेकिन यहाँ पर रंगमंचाभिनय में क्या होता है दोस्तों, पूरा अभिनय किसके द्वारा किया जाता है, मूल जो नाटक बनाने वाले पात्र हैं, यानी जिनका काम ही नाटक करना है, वो पूरी साजो पोशाक के अंदर इसको किया करते हैं। लेकिन छात्र कोई काम यहाँ भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, तो दोस्तों सर्वोत्तम विधि हम इसी को कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों, तो रंगमंचाभिनय अपने कह सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, नाटक को हम कैसे सिखा सकते हैं, या तो पाठ की तरह पढ़ा करके, तब व्याख्या विधि हो जाएगी। अब अगर शिक्षक नाटक को करके दिखाएगा, तो वो आदर्श शिक्षण विधि हो जाएगी, आदर्श नाट्य शिक्षण विधि हो जाएगी। अगर क्लास में बच्चे अभिनय कर रहे हैं, तो कक्षा अभिनय विधि हो जाएगी। अगर रंगमंच पे अपन कलाकारों को बुला करके अभिनय करवा रहे हैं, तो वो देखिए कौन सी हो जाएगी, वो रंगमंचाभिनय विधि हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा नाटक शिक्षण। अब आगे कुछ अपने और भी पढ़ेंगे आज, और वो पढ़ेंगे अपने पद्य शिक्षण। नाटक शिक्षण के बाद में हम इसको भी देख लेते हैं, पद्य शिक्षण ये क्या होता है दोस्तों। पहली बात तो हम पद्य किसको कहेंगे दोस्तों, पद्य भी क्या है, एक रचना है। और कैसी रचना है, एक ऐसी रचना है जिसमें छंद हो,
जिसमें मात्रा हो, जिसमें यति हो, जिसमें गति हो। हिंदी साहित्य जिसने पढ़ा होगा उसको ये सारी चीजें याद होंगी। तो पद्य एक ऐसी रचना है, छंद होते हैं जिसमें, या हम कहें छंदबद्ध रचना को ही पद्य कहा जाता है। छंदबद्ध रचना को ही हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। छंद क्या होते हैं, जिसमें मात्राओं का उतार चढ़ाव होता है, यति होती है, गति होती है, मात्राओं की संख्या होती है। वर्णिक छंद भी होते हैं, मात्रिक छंद भी होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, वर्णिक, ये बहुत सारे प्रकार इसमें होते हैं। वो अगर कभी पढ़ना हो तो अपने हिंदी साहित्य को देखेंगे, वहाँ पर व्याकरण को देखेंगे, जो हमारा अलंकार शास्त्र है और जो हमारा फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में आती है, वो यहाँ हमें उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, हम छंदबद्ध रचना की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो पद्य कहलाती है। तो ये तो बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये पूछा जाए कि इसमें करवाया क्या जाएगा, पद्य में क्या होता है दोस्तों। पद्य में होता है भाव और रस। पद्य की रचना रस प्राप्ति के लिए की जाती है। रसात्मक वाक्यम ही काव्यम, यानी काव्य की रचना किस लिए की जाती है, रस की उत्पत्ति के लिए की जाती है, रस निष्पादन के लिए की जाती है। यानी जहाँ पर, और रस का सामान्य अर्थ आप ले लीजिएगा आनंद, जैसे अपने कहते हैं ना उसकी बातों में रस नहीं है, या उसकी बातों में बड़ा रस आता है। रस आने का मतलब ये गन्ने वाला रस नहीं है दोस्तों, यहाँ आनंद की बात है, है ना। तो इसमें आनंद आता है, तो इसको जो इसकी विशेषता अगर हम कहें, पद्य अपने क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ताकि भाव और रस की उत्पत्ति उसके अंदर हो जाए। अब हम देख लेते हैं पद्य शिक्षण के उद्देश्य हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। पद्य शिक्षण के उद्देश्य हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर हमारे पद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा रुचि विकसित करना, किसके अंदर, पद्य के अंदर, यानी पद्य पढ़ना बच्चा सीखे, पद्य शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, अभी हमने बात की थी किसकी प्राप्ति करवाना है, आनंद की प्राप्ति करवाना है, तो कक्षा में आनंद का वातावरण, आनंद का वातावरण। अब कभी आपने देखा होगा कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कोई शेरो शायरी आ जाती है ना, तो उसके पूरे वातावरण में जान आ जाती है। तो वही यहाँ पर जैसे पद्य जो होती है, कविता जो होती है, उसके द्वारा आनंद का माहौल कक्षा में बनता है, वो विकसित कर रहा। एक अपने ले सकते हैं दोस्तों, बच्चे को जो पद्य के मूल चीज़ें हैं, जिसमें हमने देखा था यति, गति, लय, स्वर, इनका ज्ञान करवाना। तो रुचि विकसित करवाना है, कक्षा में आनंद का वातावरण तैयार करवाना है, यति, गति, लय और स्वर का ज्ञान करवाना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ हम जो कविता है उसको एक साथ गाते हैं, तो सामूहिक गीत या सामूहिक गायन की भावना भी आती है, और गाना और अभिनय दोनों इसमें आ गए। जैसे जैसे कविता गाई जाती है, वैसे वैसे अभिनय भी होता है। तो प्राथमिक स्तर पर हमारे ये उद्देश्य हुआ करते हैं, बच्चों में पद्य के प्रति रुचि विकसित करना है, आनंद का वातावरण, यति, गति, लय, इनका ज्ञान करवाना, सामूहिक गीत सिखाना, कविता गा करके, जैसे मछली जल की रानी है, बच्चा छोटी कक्षा में क्या करता है, प्राथमिक शिक्षा में, है ना, पक्षी उड़ता है, वैसे अपने हाथों को उड़ाता भी है पक्षी, जैसे मछली जल की रानी है, तो वैसे वैसे वो अभिनय करता है। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखाना इसका उद्देश्य होता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे स्तर पर। दूसरा हमारा स्तर कौन सा आ गया दोस्तों, दूसरा हमारा आ गया माध्यमिक स्तर। तो माध्यमिक स्तर पर हमारे उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो माध्यमिक स्तर पर हमारा जो उद्देश्य हो गया, पहला तो है भाव समझना, यानी कविता में जो भाव है, पद्य में जो भाव है, उन भावों को समझने की क्षमता। इसलिए यहाँ आकर के प्रश्नों का स्तर भी तो परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, इस कविता के भाव स्पष्ट कीजिए, इस कविता की व्याख्या कीजिए, इस पद्य की व्याख्या कीजिए, यानी उसमें हम कहते कवि ये कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है, कवि का ये भाव है, तो वो भावों को समझना इसका उद्देश्य हो जाता है। और देखिए स्वर, गति, लय, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो ये सारी चीज़ें तो रहना ही रहना है। साथ ही साथ कविताओं को कंठस्थ करने का, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके इस प्रकार का प्रश्न भी आता है, अपनी पढ़ी हुई कोई दो कविताओं को लिखो, कोई दो दोही लिखो, यानी कविताओं को कंठ से याद करना, कंठस्थ करना, ये भी आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर अपने छंद,
अलंकार यानी काव्य शास्त्र जो है उसका ज्ञान भी करवाते हैं और जो रस है उनका परिचय भी उसको दिलवाते हैं। तो ये इसके उद्देश्य हो सकते हैं। यानी माध्यमिक स्तर पर आप 10वीं 11वीं तक देखिएगा क्या पढ़ते हैं, है ना, कविता के भावों को समझाया जाता है, जैसे प्रश्न आते हैं ना वही चीज़ें इसके उद्देश्य होते हैं। स्वर गति लय कंठस्थ करना, याद करना, उनको छंद रस अलंकार यानी काव्य शास्त्र का परिचय देना, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। फिर इसके बाद में एक और हमारा स्तर रह जाता है, वो हमारा रह गया उच्च स्तर। यानी उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य है दोस्तों, उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य रह जाते हैं, तो उच्च स्तर पर जो हमारे उद्देश्य रह जाते हैं यहाँ पर आकर के वो कविता की क्या करेगा, अनुभूति करता है। उससे पहले भाव तो समझ सकता है लेकिन उन भावनाओं को अनुभूत नहीं कर सकता। इसके अलावा सौंदर्य अनुभूति यानी उस कविता का जो सौंदर्य है उसको अनुभूत करना, ये उसको सिखाया जाता है, ये उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा वो क्या करता है, वो तर्क विचार करना भी सीखता है, कल्पना करना भी सीखता है। और यहाँ पर आ करके हमेशा देखिएगा कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हो वो कवि बन ही जाता है, वो कवि बन ही जाता है, यानी कविता लिखने की क्षमता उसमें विकसित होने लगती है। ये चीज़ें यानी जो कविता उसको पढ़ाई जा रही है उसको अनुभूत कर सके, उसके भावों को ग्रहण कर सके, उसको वो सारी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाए, उसमें कविता का जो सौंदर्य है, प्रकृति में जो सौंदर्य है वो उसको अनुभूत कर सके, तर्क विचार कल्पनाएँ वहाँ पर रख सके। साथ ही साथ एक कवि बनाने का, है ना, कवि तो नहीं बनाना कह सकते लेकिन कविता लिखने की प्रेरणा देना। जो हिंदी पढ़ता है किसी भी प्रकार से कोई ना कोई कविता उसने देखिए अपने कॉलेज टाइम में लिखी ही होगी। तो ये इसके उद्देश्य रहते हैं। किस स्तर पर लेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे उद्देश्य होते हैं हमारे उच्च स्तर पर। आगे बढ़ते हैं अंतिम दौर के अंदर इसके, और यहाँ हम बात कर लेते हैं पद्य शिक्षण की विधियाँ। पद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, तो यहाँ भी देखिएगा हमारे पास में तीन स्तर हैं। तीन स्तर कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास में आता है प्राथमिक स्तर, एक हमारे पास में आता है माध्यमिक स्तर, और एक हमारे पास में आता है दोस्तों उच्च स्तर। तीनों स्तर पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी विधियों को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर देखें तो गीत विधि। अब देखिएगा यहाँ कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। गीत विधि में क्या करेंगे बच्चा, जो जैसे प्राथमिक स्तर यानी पहले से पांचवी की छोटी कक्षाएं जो हमारी बिल्कुल हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पर शिक्षक जो है वो कविता को गीत की तरह गा करके सुनाता है और बच्चे बस उसको गीत की तरह याद भी करते हैं, उसका आनंद भी लेते हैं। ये हो गया दूसरा। इसके साथ साथ में अभिनय विधि, यहाँ पर आपने देखा होगा प्राथमिक कक्षाओं के जो अध्यापिकाएं होती हैं जैसे मछली जल की रानी है उसका अभिनय करके बच्चों को दिखाती हैं, क्योंकि वही उसमें सिखाना होता है। कविता में जो हाव भाव हैं उनको अपने चेहरे से अपने शारीरिक अंगों से उसको स्पष्ट किया जाता है, हाथ पैर हिला करके, यानी जो उसमें दिखाया जा रहा है ताकि बच्चा उस चीज़ को सीख सके, इसे पढ़ाया जाता है। अर्थबोध विधि में क्या करेंगे, पद्य पढ़ाएंगे और पद्य पढ़ा करके साथ साथ उसमें जो शब्दार्थ हैं उसकी व्याख्या करके बताते हैं। ये सारी बातें अपने कर चुके हैं। अब एक आती है इसमें रसास्वादन विधि। अब रसास्वादन विधि क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा गहराई में इनको जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल आराम से आंसर निकालेंगे। तो रसास्वादन विधि कौन सी है, यानी इसमें कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं किया जाता है, उसमें आप रस का आनंद लेते हैं कविता में जो आनंद है, पढ़ते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर एक तो होगी हमारी गीत विधि। गीत विधि में हम क्या करेंगे दोस्तों, बच्चा जो है मिलजुल करके गाते हैं, शिक्षक उसको गीत के माध्यम से उसको सिखाता है। अभिनय विधि में अभिनय करके दिखाया जाता है, अर्थबोध में शब्दों के अर्थ को समझाया जाता है, और रसास्वादन में अर्थ वगैरह के तो भाव न्यून हो जाते हैं, कविता का आनंद लेना ही उसका मुख्य विषय हो जाता है। माध्यमिक स्तर पर आए तो देखिएगा व्याख्या विधि यहाँ से शुरू हो जाएगी। व्याख्या विधि तो बड़े अच्छे से अपने जानते हैं ना, किसी पद्य को हमने पढ़ाया उसकी पूरी व्याख्या, कभी ये कहना चाहता है वो कहना चाहता है, उसके जो भी भाव हैं जो भी चीज़ें हैं वो सारी के सारी उसमें सिखाई जाती हैं, उसके उदाहरण हैं, है ना, उसकी पूरी उसको उधेड़ करके रख दिया जाता है। जैसे कबीर का दोहा पढ़ाया आपको और उस दोहे की पूरी बाल की खाल, है ना, उसमें ये कहना चाहता है जैसे कि ये है, फिर उसको उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है, वो सारा इसमें आता है। दूसरी इसकी विधि आती है खंडान्वय।
खंडान में विधि या अपने ले सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि। अब इसमें क्या होता है, प्रश्नोत्तर प्रश्न किए जाते हैं चीज़ों को लेकर के, पद्य को लेकर के, उन प्रश्नों के माध्यम से ही विस्तार किया जाता है। ये विधि थोड़ी ठीक है, यहाँ पर अपने इसको काम में लेते हैं। अब आते हैं उच्च स्तर पर। उच्च स्तर पर देखिएगा व्यास विधि, यानी ये भी एक प्रकार से विस्तारित करना ही होता है, अलग से इसमें कुछ भी नहीं आता। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि में अपने दो राइटर ले लिए या दो रचनाएं ले ली, उनको आपस में तुलना करके पढ़ाते हैं। कबीर जी ये कहते हैं, रहीम जी ये कहते हैं, बिहारी ने ये कहा था और सेनापति ने ये कहा था। हम किन्हीं दो रचनाओं की तुलना कर सकते हैं, कवियों की तुलना कर सकते हैं, और उनको तुलनात्मक रूप में ही पढ़ाया जाता है। और तीसरी विधि आती है समीक्षा। अब समीक्षा में किसी भी कविता या पद्य की हम क्या करते हैं, गुण दोष भाव उसकी पूरी अच्छे से समीक्षा करते हैं, क्या कहा गया है। तो ये विधियां हैं जो हमारी उच्च स्तर पर आती है। वैसे अंदर से यहाँ से आने के कोई प्रश्न नहीं उठते, प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी है, माध्यमिक स्तर पर कौन सी है, उच्च स्तर पर कौन सी है। दोस्तों तो ये हमारी कुछ एक विधियां हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ और व्याख्या करने की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और अगर आप करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और क्लासेज को देखना चाहते हैं, PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दो ऐप है हमारी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली जो ऐप है राकेश सर के नाम से, आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की PDF जो है वो रोज़ाना मिलती है, रोज़ाना 9:15 बजे के आसपास आपकी PDF आ जाती है, जिससे आप जो है तैयारी कर सकते हैं RAS की या फिर किसी अन्य विषय की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि करंट का हमेशा रोल रहता है और पूरी व्याख्या के साथ में आपको बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।